109वीं रैंक हासिल कर चुके यूपीएससी की परीक्षा में ध्रुव का कहना है, जो अच्छा लगे वही करें, पढ़ाई रोज करें, देश दुनिया की जानकारी रोज लें। अभी हाल ही में यूपीएससी परीक्षा के देश में 109वीं रैंक हासिल करने वाले रीवा के ध्रुव अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पिता बीपी मिश्रा को देते हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में एजीएम है। ध्रुव के पिता ही ध्रुव के आदर्श है। ध्रुव कहते हैं, सफलता के लिए एकाग्रता जरूरी है, पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई के साथ देश दुनिया के ताजे हालात पर नजर रखनी चाहिए। इंटरव्यू के दौरान देखा जाता है आप में निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, उस दौरान पढ़ने वाला दबाव आप झेल पाएंगे या नहीं। इंटरव्यू के दौरान यह भी देखा जाता है कि जवाब ना आने पर आप अपनी बात कैसे रखते हैं। साथ ही नियमों का पालन करते हुए आपका निर्णय एक तरफ झुका हुआ नहीं दिखना चाहिए। आइडल मेरे फादर ही हैं, और क्योंकि उन्होंने भी इतनी मेहनत करके वो सिविल सर्विसेज में गए, और फिर वहाँ पर भी जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं उन्हें अच्छा काम करते हुए देख रहा हूँ, और सिर्फ अपने डायरेक्ट जो इमीडिएट उनका काम है उससे आगे बढ़कर भी वो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ जो रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने लिमिटेड अथॉरिटी जो वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में रहकर भी वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो अगर मैं सिविल सर्विस में जाऊँ और मैं प्रशासनिक सेवा में कहीं किसी तरह मैं पहुँचूँ मेहनत करके, तो वहाँ मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मेरे पिताश्री मेरे लिए बहुत बड़े आइडल हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इतना कंपटीशन है, तो आपको थोड़ा सा हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, और रोज़ इस बारे में सोचना है कि आप सिविल सर्विसेज या आईएएस में क्यों जाना चाहते हैं। तो आपका मोटिवेशन आपके सामने हमेशा होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ जाके आपको इतना अथॉरिटी रहेगा, इतना पावर रहेगा, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सरकार के बाशिंदे ही नहीं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन रहना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो वो मोटिवेशन आपके पास रहता है तो आप रोज़ मेहनत करते हैं, और यही मैसेज मेरा भी है कि अगर आप कुछ किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये सोच के रखना चाहिए कि मैं कहीं खो ना जाऊं ये पढ़ाई करके। मैं मेरे जो एम्बिशन है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ, तो उसमें ये रहना चाहिए कि मैं बड़ा सिर्फ खुद से नहीं, अपने समाज से, अपने देश से भी बनूँगा। तो ये सोच हमेशा रहनी चाहिए।